हेलो स्टूडेंट्स, तो नीट का नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग सोल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 जो कि ग्रेविटेशन से रिलेटेड है ना। देखते हैं क्वेश्चन में क्या कहा गया है। क्वेश्चन में कहा गया ए बॉडी weighs 72 न्यूटन ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, व्हाट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन इट एट ए हाइट इक्वल टू हाफ द रेडियस ऑफ अर्थ। अगर इसको डायग्राम से समझें, नीचे देखेंगे मैंने एक स्फीयर बनाया है। स्फीयर समझ लेते हैं कि अर्थ है जिसका सेंटर यहाँ पर है ना। तो इस अर्थ का रेडियस है कैपिटल R है ना। तो यहाँ पर अर्थ के सरफेस पर जो ग्रेविटेशनल फील्ड होता है, ग्रेविटेशनल फील्ड का जो वैल्यू होता है वो एक्चुअली में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के इक्वल होता है, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ सरफेस पर है ना, तो सरफेस पर ग्रेविटेशनल फील्ड होता है जी एम बाई आर स्क्वायर, जहाँ पर एम जो है वो अर्थ का मास हो गया और कैपिटल आर जो है उसका रेडियस हो गया, ठीक। तो जब भी हमें किसी पार्टिकल पर ग्रेविटेशनल फोर्स निकालना होता है ना, तो कैसे निकालते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है वो एक्चुअली में वेट के इक्वल होता है ना। तो उसको हम लिखते हैं मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और ग्रेविटेशनल फील्ड, दोनों एक ही चीज है ना। तो मास इनटू एक्सेलरेशन कर सकते हैं या कर सकते हैं कि मास इनटू ग्रेविटेशनल फील्ड। ये दोनों जो है ग्रेविटेशनल फोर्स बताता है या बॉडी का वेट बताता है, ठीक है। तो अगर सरफेस पर बात करें हम लोग, तो सरफेस पर जी का वैल्यू रखेंगे तो ये हो जाएगा जी एम एम डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, ठीक। ये है अर्थ के सरफेस पर वेट। अगर हम बात करें कि अर्थ के सरफेस से थोड़ा सा ऊपर चले जाए, अर्थ के सरफेस से r/2 हाइट पर चले जाए यहाँ पर, तो इसी पार्टिकल पर जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा वो होना चाहिए मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब यहाँ पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना होगा? जब भी किसी स्फीयर के बाहर अगर ग्रेविटेशनल फील्ड निकालना होता है या एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी निकालना होता है, तो हम लोग ये फॉर्मूला यूज करते हैं जी एम डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। आर क्या होता है? अर्थ के सेंटर से उस पॉइंट का डिस्टेंस होता है जिसको हम लोग, जहाँ पर हम लोग फील्ड फाइंड करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो स्मॉल आर है, इस स्मॉल आर का वैल्यू हो जाएगा 3r/2। आर ये है और r/2 और ऊपर जाना है सरफेस के, तो 3r/2 हो गया। तो अगर इसमें हम लोग रखेंगे जी एम एम डिवाइडेड बाई 3r/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगा, ग्रेविटेशनल फोर्स का वैल्यू 4/9 इंटू जी एम एम डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, ठीक है। पहले देखेंगे अर्थ के सरफेस पर जो हमने फोर्स निकाला था वो कितना आया था? ये आया था है ना, जी एम एम बाई आर स्क्वायर। ये है एक्चुअली में, यहाँ पर देखेंगे तो ये है, ये और ये वाला वैल्यू दोनों एक ही वैल्यू है, ठीक है। तो हम लोग ये कर सकते हैं कि जो इस हाइट पर जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा वो होना चाहिए 4/9 टाइम्स फोर्स एट अर्थ सरफेस है ना। 4/9 अर्थ के सरफेस पर जो ग्रेविटेशनल फोर्स का वैल्यू बताया गया या जो वेट बताया गया वो बताया गया है 72 न्यूटन है ना। क्वेश्चन में 72 न्यूटन बताया गया है। तो ये देखेंगे कट जाएगा 8 से और ये आ जाएगा 32 न्यूटन है ना। तो ये कह सकते हैं कि अर्थ के सरफेस से r/2 हाइट पर जो फोर्स लगेगा वो 32 न्यूटन का होना चाहिए। तो करेक्ट आंसर जो है वो थर्ड वाला होना चाहिए।